वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम जा रहे हैं कश्मीर। हम यहाँ फिलहाल निकले हैं कश्मीर के लिए मेरठ से। तो बेसिकली हम नोएडा से जाने वाले थे, पर हम बेसिकली हमारा घर मेरठ में, तो हमने सोचा पहले घर जाए फिर बाद में हम कश्मीर वहाँ से होते हुए जाएंगे। तो हम मेरठ से कश्मीर के लिए हमने हाईवे पकड़ लिया है, तो कौन सा सड़ने वाला हाईवे ना, तो हमने सड़ने वाला हाईवे पकड़ लिया, वो डायरेक्ट जाएगा करनाल को। तो करनाल से डायरेक्ट मेन हाईवे सीधे और कश्मीर श्रीनगर होते हुए हम पहला स्टे अपना श्रीनगर मारेंगे, और श्रीनगर हम कल जहाँ तक है श्रीनगर पहुँच जाएंगे। सो आज हमारा है डे वन, और आपको अपडेट मिलता ही रहेगा। हम कितने डेज लगेंगे, मोस्टली हम घूमेंगे 3-4 दिन तो घूमेंगे, आने जाने में 2 दिन लगेंगे। सो बेसिकली हमारा डे वन। तो बेसिकली हमारी ये रोड ट्रिप होने वाली है, तो हम आपको दिखाएंगे कि रोड ट्रिप में यार मजा ही कुछ और होता है। तो सो हमने सोचा रोड ट्रिप ही कर ले, आखिरकार लोग फ्लाइट से भी चले जाते हैं, फ्लाइट में पहुंच गए आ गए, तो हमने सोचा पहले रोड ट्रिप कर लेते हैं, अपने रास्ते में देखेंगे कितना अच्छे अच्छे व्यूज आएंगे, रुकेंगे, स्टे करेंगे, रिलैक्स होते हुए जाएंगे और अपना एंजॉय करेंगे। हाँ गाइस, हमने हरियाणा छोड़ दिया और ढाबे सारे निकल गए, मन्नत जन्नत सब निकल गए, और यहाँ पंजाब में हमें कुछ नहीं दिख रहा। अभी हम भूखे हैं, बजे कितने बजे, बंजर है, 11 बजे अभी 11 बजे है और अभी हमने खाना नहीं खाया, चले हुए हमें 4 घंटे हो गए, 5 घंटे हम 6 से मानेंगे भाई, 6 से हम चले हैं मेरठ से पटेल, तो हम 6 बजे से चले हैं, तो हमें अब कितने बजे हैं, 10 बज रहे हैं यहाँ रात के, 10 बज रहे हैं ना, कितने बज रहे हैं, हाँ 10 बज रहे हैं, तो 10 बज रहे हैं, तो हमें कितने हो गए, 4 घंटे हो गए हैं। ड्राइवर हमारा गाड़ी चलाते चलाते थक गया, मैं चलाऊं गाड़ी यार, दे दो मैं चला लूंगी खाली सड़क, इतनी तो मुझे आती है, आदमी डरने की बात, मुझे एक्सपर्ट हूँ मैं, ऑफिस भी चल जाती हूँ लेकर, पर अकेले नहीं जाती, ये जाता है मेरे साथ। तो अभी भी तो तुम हो, अरे भाई ढाबा कौन सा, ये ढाबा नहीं है, ये सेंटमेंट लिखा है इस पे, बसंतपुरा ढाबा कहाँ है ढाबा भाई, कोई अच्छे से ढाबे पे रुको, ऐसे बसंतपुरा मनपुरा मत रुको, मैं चलाऊ बता दो, मैं चला लूंगी, अरे यार हमारे पास कोई चलाने को भी नहीं है, मेरे पर ट्रस्ट भी नहीं करता, पता नहीं लड़के लोग ऐसे होते हैं, लड़की से गाड़ी नहीं चढ़ाते यार, यहाँ हाईवे पे कौन है, क्या मैं किसी के ऊपर चढ़ा दूंगी, हैं बताओ, चढ़ा के देंगे कुछ भी, खाली सड़क है, एक बस आ गया, एम्बुलेंस जा रही है, रुको साइड रुको, नहीं मुझे नहीं चलानी, मुझे नहीं चलाने गाइस, मेरा बिल्कुल मन नहीं करा चलाने का, मैं तो ऐसे बोल रही थी कि हाँ कि चला दो ताकि मन में थोड़ा खुशी सी बैठ जाए, रुकेंगे रेस्ट करेंगे, ये क्या हो रहा है, फोन ऊपर नीचे हो गया पूरा। मैंने अपना गिम्बल सेट नहीं करा तो मैं हाथ से इस वक्त वीडियो बनाई, तो आपको थोड़ा शेकीनेस फील हो रहा होगा, चलो कोई नहीं, इतना तो चलता है। हम यहाँ रुके हैं लुधियाना ढाबे पे, हम पहले भी यहाँ रुके थे जब मनाली गए थे, तो बिल्कुल कोइंसिडेंस हो गया हमें ढाबा मिल गया, फाइनली बहुत दूर बाद हमें ढाबा मिला है, इसका मेन्यू देखते हैं, क्या लोगे बताओ, ज्यादा चिल्ले क्या है, क्या लेंगे, लास्ट टाइम तो हमने परांठा खाया था, आलू परांठा, इस बार क्या खाओगे है। अब ये हम टेस्ट करते हैं अपना खाना, बहुत अच्छा खाना बनाया गाइस, आप भी जब इस रोड पे आओ लुधियाना ढाबे पे जरूर रुकना, लच्छा परांठा बोल रहे हो, लच्छा परांठा हमने क्या मंगाया, बटर नान मंगाया, ऑसम मस्त मज़ा आ रहा, देखो बटर नान आया तो मस्त मज़े से खाया जा रहा, बहुत ऑसम बनाया, ऑसम गाइस, बिल्कुल भी बोल नहीं है, मैदा नहीं है, और मुझे तो बहुत टेस्ट लग रहा है ना, कितना मैं कभी नान खा नहीं पाती और ये बहुत टेस्टी है गाइस, हमने खाना खा लिया है, बिल आया हमारा 650 650 का, अब हम जा रहे हैं देखते हैं होटल वोटल ढूंढेंगे लुधियाना के आसपास, देखते हैं थोड़ा दूर जाके देखेंगे, अब गाड़ी नहीं चलाई जाएगी इस पे है, गाड़ी नहीं चलाई जाएगी ना, अभी कितने घंटे हुए हैं हमें, टाइम लगेगा पहुंचेंगे, देखते हैं आगे चलो थोड़ा आगे से पर, हाँ, आगे से
पेट भर गया हमारा बहुत तगड़ा वाला, और इतना टेस्टी खाना था गाइस, मतलब बहुत अच्छा खाना था। इसका नाम है लुधियाना वैष्णो ढाबा। हाँ, लुधियाना वैष्णो ढाबा। मीन्स हम पहली बार जब हम वहां गए थे मनाली, उस टाइम पे भी हम इधर ही रुके थे, बट कोइंसिडेंस हो गया, हमें कोई ढाबा नहीं मिला था तो हम यहाँ रुक गए। पर ऑसम था, खाना अच्छा था, टेस्टी था, हमने सब खा लिया, बहुत मजा आया। सो गाइस, हम पहुंच गए हैं जम्मू। सो सुबह के लगभग 4:30 बज रहे हैं और हम जम्मू पहुंच गए। अब देखते, रास्ता तो अभी पहाड़ जैसा नहीं दिख रहा, पर दिखाते हैं आपको, फिर बाद में देखते हैं, थोड़ा बहुत तो श्रीनगर तक पहाड़ आएगा, नहीं आया अब तक तो प्लेन सड़क चल रही है। देखो गाइस रास्ता, अरे भाई रास्ता ऐसा है ना, सड़क अब तो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा हाईवे बना हुआ है और बेहतरीन है। अभी थोड़े पैचेस आ गए हैं यहाँ। पर अब जाके हमें पहाड़ दिखने स्टार्ट हुआ है। और एक और बात बता दें यार, हम जैसे जम्मू में आए, हमें चाय पीनी मतलब मुश्किल पड़ गई, मतलब चाय हमें मिली ही नहीं, एक भी ढाबा नहीं मिला खुला हुआ, ना चाय मिली। पता नहीं 2-3 घंटे से हम चाय ढूंढ रहे हैं, यहाँ एक भी चाय पॉइंट नहीं, सब बंद है। यार चाय मिल जाए, थोड़ा 1 घंटा रेस्ट कर ले, चाय पी ले, थोड़ा थकान से उतर जाती है, पर यहाँ चाय नहीं। आप जब आओ तो ये जरूर देखना, आपको चाय पीने तो आप पहले ही पी लो, बीच में बहुत रेयर मिलेगा, और जहाँ मिलेगा वहाँ बहुत सारे ट्रक रुके होंगे, तो आप वहाँ खड़ा होना वो नहीं समझोगे। सो देखते हैं मिल जाए तो ठीक है। हम फॉरेस्ट में घुस चुके हैं, बस चाय मिल जाए मुझे। नज़ारा और भी सुंदर होता जा रहा है हमारा, और पहाड़ देखते जा रहे हैं हमें। यहाँ क्या भालू है? भालू नहीं, लैंडस्लाइड ज़ोन हुआ। हाँ तभी तो, शॉर्टकट फॉरेस्ट एरिया से हमने शॉर्टकट लिया है। मुझे लगता है बरसात के मौसम में ये बंद हो जाता होगा, दूसरी रोड भी है वहाँ से फिर जाना होता होगा। देखिए व्यू, देखिए कितना अच्छा व्यू है। और यहाँ कितने बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, 5:30 बज रहे हैं, और देखो घटा हो रही है। सो गाइस, ये क्या नोट गिन रहा? सो गाइस, हम यहाँ थोड़ा कि बीच में रुके हुए हैं, मैंने आपको दिखाया था हम फॉरेस्ट में चल रहे थे, तो नहीं हम बीच में रुके हुए हैं, तो यहाँ थोड़ा बंद है, थोड़ा है ना, यहाँ बारिश हुई थी रात में तो थोड़ा लैंडस्लाइड हो गया था, तो यहाँ थोड़ा रोड बंद है, तो 1 घंटे में क्लियर हो जाएगा, तो हम वेट कर रहे हैं। तो हमने फाइनली यहाँ चाय पी और हम यहाँ अपना वेट करा, और हम अभी नहीं खुला है, वो बस लोकल लोग गए हैं, तो वैसे भी हम रेस्ट करने वाले थे 1 घंटा, तो अभी हम यहाँ थोड़ा रेस्ट करेंगे, वो भी थोड़ा सो लेगा, बीच में तो हमने रेस्ट कर लिया था, फिर भी थोड़ा बहुत तो रेस्ट चाहिए, रेस्ट कर रहेंगे फिर उसके बाद चलेंगे हम। गाइस ये देखो नज़ारा इतना बेहतरीन, ओ गॉड धचके इतनी लग रही है, कितना ऑसम व्यू है, मस्त सम नज़ारा है यार, मस्त है। देखो व्यू, ऑसम व्यू है यार, देख के मजा ही आ गया मुझे तो, मतलब इतना ऑसम है, थकान सी दूर हो गए हैं। गाइस हम टनल में पहुंच चुके हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ द इंडिया वेलकम यू टू द सायमा प्रसाद। ओ माय गॉड, ये है हमारी टनल, फर्स्ट टनल है हमारी, है ना, कश्मीर की फर्स्ट टनल, काफी लॉन्ग होने वाली है ये टनल, जहाँ लाइट थोड़ी डिम दिखेगी क्योंकि मैंने लाइट नहीं चला रखी, कभी डिस्टर्ब हो तो। बहुत ज़्यादा लंबी टनल है, और ये बोल रहे हैं कि ये बोर हो चुका है, बोरियत से छा गई है, ऑब्वियस बात है, इतनी लंबी टनल में तो बोरियत छा जाएगी, हमने गाने भी नहीं चला रखे। अरे गए यार छोड़ो, क्या गाने वाने चलाने यार सुबह से, अब थक ही रहे हैं। हाँ अरे हाँ तो भूल गए, इंटरनेट ही नहीं है। अभी पोस्टपेड कराना बाकी है, आप आए तो पोस्टपेड सिम लेके आए, मुझे टाइम नहीं मिला तो मैंने पोस्टपेड नहीं कराया, मैं अपना वहाँ श्रीनगर में ही ऑन द स्पॉट पोस्टपेड करवाऊंगी अपना सिम, और वो तुरंत ही एक्टिवेट हो जाएगा, तो उसमें टेंशन लेने वाली बात कोई नहीं है। हम श्रीनगर पहुंच जाते सुबह ही पहुंच जाते 10-11 बजे, पर हमें वहां 2 घंटे लेट हो गया, हम वहां लैंडस्लाइड हुई थी तो इसलिए हम 2 घंटे वहां हमने वेट करना पड़ा, तो हमने उधर ही रेस्ट कर लिया था, और
लैंडस्लाइड तो मुझे ऐसा कुछ दिखा नहीं, लैंडस्लाइड हुई नहीं, तो उनको मुझे लगता है रोकना ही था कि 8 बजे तक वो ट्रैफिक छोड़ता है, उनका रूल ही है। मुझे तो लैंडस्लाइड क्योंकि अभी तक रास्ते में दिखी नहीं। गाइस इस वक्त हम फंस गए हैं जाम में, थोड़ा बहुत जाम है यहाँ। नियर अबाउट हम पहुँच, और 1 आवर बचा है हमारा श्रीनगर पहुँचने के लिए, और 1 घंटा बचा है। तो 1 घंटे में मे भी हमें ऐसा खिसक रहा है। धीरे धीरे देखो देखो कितना जाम है यार, ये 1.5 घंटे हो गए ना मैं खड़े हुए। हाँ ज़्यादा हो गया। हाँ ये हमारे उत्कर्ष जी बताएंगे कि हमें कितना टाइम हो गया, 1.5 घंटे से ज़्यादा हो गया अब तुम खड़वा है। श्रीनगर हाथ में ही नहीं आ पा रहा है हमारे, पता नहीं कितना टाइम लगेगा। और मौसम देखो गाइस बहुत ऑसम हो रहा है सी, और इतनी ठंडी हवा, एसी की ज़रूरत ही नहीं है। अप्रैल का महीना, 2 घंटे जाम में फंसते हुए राहत में आई। देखो व्यू, देखो यहाँ का मस्त व्यू है। वो बारिश हो गई, ओह वाओ, इतनी ठंडी हवा, इतना अच्छा लग रहा है। हमारी आई थिंक 4th टनल है, देखिए बस सेफ जर्नी। awesome. ये सबसे लॉन्ग टनल है और ये 26 किलोमीटर की है, और मींस बहुत ही ऑसम है, मज़ा आ रहा है मैं तो देख के, पर थोड़ा बोर हो जाता है यहाँ टनल में। बस ये इससे काफ़ी डिस्टेंस हमारा है ना, काफ़ी कट हो चुका है। अभी भी हमें टाइम दिखा रहा है 140 मिनट्स, पर देखते हैं कब पहुँचेंगे हम। बाकी मैं अपडेट देती रहूँगी। हमें स्नो दिख गई है पहाड़ों पे, दिख रही है आपको, देखो ये रहे पहाड़, स्नो वर्ल्ड। और व्यू तो देखो यार मस्त लग रहा है, बिल्कुल मस्त। बर्फ़ दिख रही है हमें, बर्फ़ देखिए। इतने बिजी हो गए हम ड्राइविंग करने में कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला खाना खाने का। अब तक हमने खाना ही नहीं खाया है, चिप्स खा रहे हैं बस, थोड़ी चाय पी है, चिप्स खाए। सोचा अब खाएंगे, कोई ढाबा ही ढंग का नहीं मिला हुआ है। और फिर बाद में सोचा कोई अच्छा मिल जाएगा, कोई हमें मिला ही नहीं। फिर हमने 1-1 घंटा आगे बढ़ाते गए और हमने अब तक खाना नहीं खाया है, जो कि टाइम हो रहा है 2:30। अब 1 घंटा ही बचा है, 1.5 आवर्स बचा है, हम पहुँचेंगे अब श्रीनगर में ही खाएंगे यार। बीच में कुछ हमें कुछ ढंग का दिखा नहीं, तो हमारे लायक तो हमने नहीं खाया। अब तो नजारे नजारे आते रहेंगे, कितना मस्त लग रहा है। श्रीनगर के मार्केट में, अब यार सिम तो कन्वर्ट नहीं हो पाया, हम कोशिश कर रहे हैं। अब हम भूल गए वहाँ पोस्टपेड करवाना, अभी हमारा नेटवर्क नहीं चल रहा, बस पूछते पछाते हम चल रहे हैं यहाँ। देखो अभी हम डल लेक जा रहे हैं, ये थोड़ा मार्केट एरिया, कल इनका कोई फेस्टिवल तो बंद है थोड़ा, तो देख रास्ते में थोड़ा सा दूर ही है, आपको फिर अपनी हाउस बोट दिखाते हैं। We can be alone in the castle in the sky. We can run.